तो हेलो, कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, वी आर बैक एंड आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है, लैबोरेटरी में ट्रूप को अपग्रेड के ऊपर डालने वाले हैं। एंड गाइस, हमारी जो लैबोरेटरी है वो बहुत जल्दी मैक्स आउट होने वाली है। जो न्यू लेवल्स आए थे ट्रूप्स के, सिर्फ वही ट्रूप्स यहाँ पे बचे हैं, बाकी सारे के सारे ट्रूप्स अपने मैक्स आउट है। एंड गाइस, लूट देखो यार, लूट हमारे पास काफी है, गोल्ड काफी है, एलिक्सर काफी है, डार्क एलिक्सर भी हमारे पास काफी है। लेकिन एक बुरी बात है, एलिक्सर को हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग एलिक्सर ट्रूप में बात करें तो हमारे पास बेबी ड्रैगन है, क्लोन स्पेल है। एंड अगर हम लोग आगे चले डार्क ट्रूप्स में तो हमारे पास यहाँ पे गोलम है, एंड दो हमारे पास यहाँ पे सीज मशीन्स है, एक हमारे पास वॉरिकर एंड एक है स्टोन स्लैमर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गोलम को लगाने वाले हैं लेवल 10 के लिए। होग राइडर के बाद गोलम हमारा सेकंड ट्रूप होने वाला है क्लैश ऑफ क्लैन में, जिसका लेवल 2 डिजिट में आने वाला है। एंड लेवल 9 से लेवल 10 के लिए 16 दिन लगने वाले हैं। चलो कोई ना, लगा देते हैं इसको लेवल 10 के लिए। 16 दिन के बाद हमारा गोलम यहाँ पे मैक्स आउट हो जाएगा, लेवल 10 का हो जाएगा। सो ओके गाइस, डार्क एलिक्सर हम लोग ने यूज कर लिया, अभी हमारे पास गोल्ड बचता है, एलिक्सर बचता है। एलिक्सर को तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, सो गोल्ड को भी हम लोग यूज करेंगे। एंड गोल्ड को कहाँ पे यूज करेंगे पता है, एक ही चीज के ऊपर करेंगे, वो है अपना विजार्ड टावर। लास्ट विजार्ड टावर बसता है हमारे बेस के ऊपर, बाकी सारे के सारे डिफेंस हमारे मैक्स आउट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही विजार्ड टावर बसता है, वो है ये वाला। इसको लगा देते हैं लेवल 13 के लिए, 1 2 3 बूम। ओके भाई, ये भी लगा दिया हम लोगों ने। एंड अभी अगर मैं डिफेंसेस की बात करूं तो कुछ नहीं बसता, सिर्फ हमारे पास एक स्प्रिंग ट्रैप बसता है जो कि आया था समर अपडेट में। एंड उसके बाद हमारे पास क्या बसता है, एक गोल्ड माइन बसती है, बारवियन किंग के 2 लेवल्स बसते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास 5 एलिक्सर कलेक्टर बसते हैं। सो ये चीजें हैं गाइस, इन चीजों को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, यानी कि हमारा जो बेस है वो बहुत जल्दी यहाँ पे मैक्स आउट होने वाला है। एंड गाइस, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो हमारा बेस है ना वो हमारी लैबोरेटरी से पहले मैक्स आउट हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। एनीवेज गाइस, अभी हम लोग ऐसे करते हैं ना, लेजेंड लीग में कुछ अटैक करते हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले कि हम लोग अटैक के ऊपर चलें, आप लोगों को पता है यार क्या करना है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, बेल आइकन दबाने से बंदे चैनल पे फर्स्ट आता है। आज की इस वाली वीडियो पे लाइक एम करते हैं 4000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है लाइक एम बहुत बड़ा है, औकात से बाहर है, लेकिन मजा भी उसी चीज में आता है जो औकात से बाहर हो। और हाँ गाइस, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे भाई साहब, बेस देख रहे हो अपने को, कौन सा बेस मिला है, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या फिर नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस बेस को पहले भी थ्रीशा किया था, वो भी किसके साथ, 8 अर्थविक स्पेल्स के साथ। लेकिन आज हम लोग हाइब्रिड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, एक साइड से हम लोग क्वीन वॉक करते हैं, एक साइड से हम लोग करेंगे अपना किंग एंड सीग बैरक्स को, एंड सेंटर में डाल देंगे हम लोग अपने माइनर्स एंड हॉग राइडर्स को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी क्वीन रहेगी, हिलर्स कोकोलून क्वीन, आपने को 3 o'clock की तरफ लेके जाना है। ठीक है, बस ये डिफेंस ना मेरी हिलर्स को टारगेट ना करे। वॉल्वेक ओके, वॉल्वेक यहां पे हो जाएगी, सिंगल को फ्रीज करना पड़ेगा एक बार तो। कम ऑन भाई, किंग आ जाएगा, सीग बैरक्स आ जाएगी यहां पे, फ्रीज रेज माइनर्स वार्डन हॉग राइडर्स रॉयल चैंपियन। ओ भाई, हिलर्स बच गई, हिलर्स बच गई हमारी, पहली हीलिंग स्पेल फ्रीज। चलो 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 भाई, सेकंड हीलिंग स्पेल, टाउन हॉल के ऊपर हम लोग रेज डालेंगे। चलो भाई, अटैक तो हमारा एकदम सही जा रहा है। सीसी से यहाँ पे क्या निकला भाई, 3 इन्फर्नो ड्रैगन रेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वार्डन की एबिलिटी, 3 इन्फर्नो ड्रैगन निकले हैं भाई, क्वीन की एबिलिटी, देखते हैं भाई क्या होता है हमारे साथ। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज कर देता हूँ। ओ भाई, रॉयल चैंपियन मरेगी, पता ही था मुझे। एक बैलून यहाँ पे डाल देता हूँ, एक विजार्ड भी है हमारे पास। सुपर वॉर वेकर भी है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
एक इन्फर्नो ड्रैगन बचा है भाई, जो कि हमारी हिलर्स के ऊपर लॉक हो चुका है। ओ भाई साहब, ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकलने वाला है। वैसे यहाँ पे अभी भी एक इन्फर्नो ड्रैगन बचा है, लेकिन हमारे पास माइनर्स काफी है अभी भी, एंड ये निकले गाइस ये वाला अटैक 3 स्टार। सो अभी हम लोग एक बार फिर से चलेंगे अटैक के ऊपर। सो गाइस चलते हैं एक बार फिर से। ओके, अभी अपने को यहाँ पे ये बेस मिला है, टाउन हॉल थोड़ा सा ना इसने सेंटर करके रखा है, एंड हमारे सीसी में स्निकी गोबलिंग्स भी नहीं है। वैसे तो मुझे बैटर प्लेन भी यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्वीन हिलर्स एंड एक कोकोलोन सुपर वॉलवेक, एंड हम लोग क्या करने वाले हैं ना, टाउन हॉल के ऊपर हम लोग अपना बैटर प्लेन करेंगे, लेकिन टाउन हॉल के ऊपर ना अपने को फ्री स्पेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सीसी में सिर्फ होग राइडर्स हैं, एंड होग राइडर्स ऐसे टाउन हॉल को डाउन नहीं कर पाएंगे। सो फ्रीज वहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सिंगल को फ्रीज करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे फ्रीज रेज, कम ऑन अपोनेंट की क्वीन, क्या यहाँ पे फ्रीज? नहीं भाई, फ्रीज मुझे नहीं डालना है, फ्रीज बचा के रखना है। एक और रेज, चलो भाई अटैक तो सही जा रहा है। सीसी निकल गया यहाँ पे, शुक्र है भाई, हेड हंटर से यहाँ पे नहीं निकले, यहाँ पे पॉइजन आ जाएगी। यहाँ पे किंग माइनर्स वार्डन हॉग राइडर्स रॉयल चैंपियन बैट ब्लिम्स, तो यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी, हील रेज फ्रीज। ओ क्या टाउन हॉल डाउन हो पाएगा? अगर टाउन हॉल यहाँ पे डाउन नहीं हुआ ना, दिक्कत आ जाएगी भाई फिर। ओके भाई, टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो गया, 2 जायंट्स बॉम्ब यहाँ पे ट्रिगर हो गए, जो कि मान ली काफी अच्छी बात है। कम ऑन 64% निकल चुका है। बैलून्स को नहीं, मैं अभी तो नहीं डाल सकता, अभी हमारे पास रॉयल चैंपियन की एबिलिटी है, क्वीन की एबिलिटी है, सुपर वॉल्वेक रॉयल चैंपियन की एबिलिटी। कम ऑन भाई, क्वीन की एबिलिटी नहीं बच पाएगी। 86 भाई साहब, ये अटैक भी यहाँ पे 3 स्टार है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे माइनर्स बचे हैं, बारबेरियन किंग के साथ बहुत सारे बारबेरियंस अभी बचे हुए हैं। सो गाइज, ये वाला अटैक भी यहाँ पे 3 स्टार निकल गया। हालांकि अगर मैं यहाँ पे स्नीकी गोब्लिंस यूज करता ना अपने सीसी में, तो अपने को ना टाउन हॉल के पास फ्रीज की जरूरत नहीं पड़ती। चलो कोई ना, निकल गया ये वाला अटैक भी। सो गाइज, अभी हमारी वॉर भी चल रही है, तो वॉर के अटैक भी देखेंगे अभी हम लोग कुछ। सो ओके गाइज, अभी अवकाश यहाँ पे लाइव अटैक कर रहा है। सबसे पहले उसने आइस गोलम डाला, दोनों के दोनों हीरोज यहाँ पे डाल दिया, हेड हंटर्स वो यहाँ पे यूज कर रहा है। सो ओपोनेंट्स के जो हीरो है ना, वो यहाँ पे काफी स्लो हो जाएंगे, एंड इसी चीज की वजह से उसको यहाँ पे काफी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। किंग की एबिलिटी को यूज कर दिया, टेस्ला फार्म यहाँ पे डाउन हो जाएगा। आई थिंक उसने 4 टेस्ला यहाँ पे डाउन कर दिए, आई थिंक 3 टेस्ला यहाँ पे डाउन कर दिया उसने। क्वीन एक डिफेंस को निकाल लेगी। क्वीन वापस आ चुकी है, तो ये दोनों की दोनों एक्सोस यहाँ पे डाउन हो जाएंगी। क्वीन की एबिलिटी उसने यहाँ पे यूज कर दी, एंड अभी देखते हैं वो लून्स कहाँ से डालेगा। लावा लून्स लून, ओ भाई साहब, वार्डन आ गया पीछे से, यहाँ पे लावा लून्स, भाई साहब क्या ही ओपी लालो कर रहा है यार, ये मजा आ गया भाई। फ्रीज हेस्ट हेस्ट, अपोनेंट के सीसी से सिर्फ एक बेबी ड्रैगन निकला है, जो कि डाउन हो जाएगा पॉइजन स्पेल के अंदर। बैटर ब्लिम को डाल दिया भाई, ये अटैक 3 स्टार निकलने वाला है, मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ भाई, ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकलने वाला है। टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो जाएगा। ओके, स्नीकी गोब्लिंस है उसके सीसी में, तो टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो गया। ओ भाई साहब, अपोनेंट के सीसी से यहाँ पे लावा हाउंड भी निकल चुका है, जिसके लावा पफ यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं हमारे बैलून्स को। अभी हीलिंग स्पेल बचा रखी है उसने भाई, नहीं अटैक तो ये यहाँ पे 3 स्टार निकलने वाला है। एक स्केल्टन स्पेल ली है उसने, जिसका यहाँ पे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे हीलिंग स्पेल मे बी, ओके हीलिंग स्पेल को उसने यहाँ पे डाल दिया है।
75-78% यहाँ पर निकल चुका है। अरे भाई साहब क्या ही ओपी लाल हो गया यहाँ पे। वैसे यहाँ पे अभी लावाउंड बचा है पुन का, लेकिन लावाउंड यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला 84%। एंड स्कैलीज यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहा है, लेकिन अभी बैलून्स इतने ज़्यादा हैं कि स्कैलीज भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो क्या ही ओपी अटैक किया भाई, 88% यहाँ पे निकल चुका है। मज़ा आ गया भाई, लालो सीखना यार मुझे भी टाउन हॉल 12 एंड टाउन हॉल 13 के ऊपर। टाउन हॉल 13 के ऊपर लावा लून यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टाउन हॉल 9 के ऊपर ईजी है, टाउन हॉल 10 के ऊपर भी ईजी है, टाउन हॉल 11 के ऊपर भी ईजी है, लेकिन मैंने कभी टाउन हॉल 12 के ऊपर लालो यूज़ नहीं किया, ना ही टाउन हॉल 13 के ऊपर, क्योंकि यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो ये टैग निकलेगा गाइज यहाँ पे 3 स्टार, सिर्फ यहाँ पे एक क्लैन कास्टर बचा है जो कि यहाँ पे बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर 1% भी अच्छी लगे ना सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो बाकी चैनल चलेगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।